जाओ। जमीन से अनंत आकाश की उड़ान, हर उड़ान में हिंद की हिफाजत का पैगाम। घातक हवाई हमलों को नाकाम करने का दम। स्वदेशी एयर डिफेंस का सुरक्षा कवच करेगा दुश्मनों को बेदम। किसी भी जंग में हवाई हमले सबसे घातक होते हैं। फाइटर जेट्स आसमान से मौत की बरसात कर सकते हैं। घातक मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से कहीं भी तबाही मचा सकती हैं। जंग कोई भी हो, जंग का रुख अक्सर हवाई हमलों और उन्हें नाकाम करने की काबिलियत से तय होता है। हिंदुस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी ताजा मिसाल है ओडिशा के चांदीपुर से आई ये तस्वीर। डीआरडीओ ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में हिंदुस्तान को हवाई सुरक्षा कवच देने के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशो राइड्स का सफल परीक्षण किया। एक नहीं दो सफल परीक्षण से एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर मुहर लग गई। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने विशो राइड्स एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड का नाम भी दिया गया है। ये इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है। फायर करने के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। विशो राइड्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए हों तो विशो राइड्स ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम होता है। जंग के मैदान में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान लेता है। रडार पर दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान का पता चलते ही ये एक्टिव हो जाता है। चंद सेकेंड में एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती हैं। ये गाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करके उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है। जाहिर है अगर किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और सटीक है तो वो देश दुश्मन की मिसाइलों से हमेशा महफूज रहता है। हिंदुस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसे सरहद के पास अहम ठिकानों पर तैनात भी कर दिया गया है। S-400 दूर से होने वाले हमलों को वक्त रहते नाकाम कर सकता है, लेकिन अगर हवाई हमला करीब हुआ तो उसे नाकाम करने के लिए विशो राइड्स जैसे शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। डीआरडीओ ने स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करके साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अब हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है। आने वाले वक्त में ये एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे आकाश में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे न तो दुश्मन की साजिशें भेद पाएंगी और न ही मिसाइलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।